अयोध्या मामले में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर रामलल्ला का दावा माना गया। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत के इस फैसले पर शायर जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया आई है। उनका मानना है कि मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ की जमीन मिलेगी वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर लिखा कि बहुत अच्छा होगा कि जिन्हें मुआवजे के तौर पर 5 एकड़ जमीन मिले वो इस जगह पर एक बड़ा चैरिटेबल अस्पताल बनाने का फैसला करें, ऐसा हॉस्पिटल जिसे हर समुदाय के लोग मदद करें, सारी कम्युनिटीज के लोग उसे स्पॉन्सर करें। जावेद अख्तर के बेटे हैं फरहान अख्तर, उन्होंने भी 9 नवंबर को फैसला आने के बाद एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा था कि सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, अयोध्या केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए। ये फैसला आपके पक्ष में हो या आपके विरुद्ध, इसे पूरी गरिमा पूरी शालीनता के साथ स्वीकार कीजिए। हमारे देश को एक होकर इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जय हिंद। जावेद अख्तर के लंबे समय तक पार्टनर रहे सलीम खान, उनसे भी इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई। उन्होंने कहा कि भारत को स्कूलों की सख्त जरूरत है, ना कि मस्जिदों की। सलीम खान ने न्यूज एजेंसी INS से कहा कि हमें मस्जिदों की जरूरत नहीं है, नमाज तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे, ट्रेन में, प्लेन में, जमीन पर, कहीं भी पढ़ लेंगे, मगर हमें जरूरत है बेहतर स्कूलों की। तालीम अच्छी मिलेगी 22 करोड़ मुसलमानों को तो इस देश की बहुत सी कमियां खत्म हो जाएंगी। सलीम खान ने कहा कि पैगंबर ने इस्लाम की जो खासियत बताई वो है मोहब्बत और क्षमा। सलीम खान ने कहा कि इस कहानी यानी कि अयोध्या विवाद के खत्म हो जाने के बाद मुसलमानों को चाहिए कि वो इन दोनों नेमतों को बरतें और आगे बढ़ें। मोहब्बत जाहिर करिए और मुआफ करिए, ऐसे मसलों पर पीछे मुड़कर मत देखिए, पीछे मत याद कीजिए, बस यहाँ से आगे की तरफ बढ़िए। ऐसे संवेदनशील फैसले के ऐलान के बाद जिस तरह से शांति और भाईचारा बनाए रखा गया है वो तारीफ के काबिल है। एक बहुत पुराना विवाद अब सुलझ गया। अपने दिल की गहराइयों में से इस फैसले का स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो और वीडियोस के लिए हमें वहां ज़रूर फॉलो करिए। एक ज़रूरी बात और, आप देख सकते हैं दी लल्लनटॉप क्विज सौरभ द्विवेदी के साथ शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और फिर रात में 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।